खबर जिला शिवपुरी से आ रही है। यहाँ जिला अस्पताल के मेन गेट के पास कोई भी मरीज अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर अंदर चला जाता है और जब लौट कर वापस आता है तो मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, जो नहीं मिलती। इसी स्थिति को देखते देखते जिला चिकित्सालय के सामने से एक माह में 28 मोटरसाइकिल चोरी चली गई। इस बात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के मार्गदर्शन में सिटी कोतवाली TI अमित भदौरिया, यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव और नगर पालिका के कर्मचारी के साथ मिलकर जिला चिकित्सालय पहुंचे। इसी बीच थोड़ी देर में शिवपुरी SP भी साइकिल चलाते हुए पहुंच गए। नई पार्किंग व्यवस्था को देखते हुए पास में ही गेट के सामने रखी चाय गुटके की स्टॉल संचालक को बुलाया और स्टॉल पीछे करने की समझाइश दी। वहीं बाइक स्टैंड ठेकेदार शरीफ खान को भी बुलाकर समझाइश दी कि दोपहिया वाहन स्टैंड पर ही लगवाएं, सड़क पर खड़े ना करें। शिवपुरी SP राजेश सिंह चंदेल ने बताया कि अब जिला चिकित्सालय के सामने हमने नई पार्किंग व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके लागू होने के बाद जिला अस्पताल के सामने की यात्रा व्यवस्था सुदृढ़ होगी एवं चोरी हो रही मोटरसाइकिल पर भी लगाम लगेगी। इस दौरान नगर पालिका, यातायात पुलिस एवं कोतवाली पुलिस मौजूद रही। मोनू नामदेव, शिवपुरी। सर, जी अस्पताल के सामने पार्किंग व्यवस्था की जा रही है, क्या व्यवस्था की जा रही है? कुछ अव्यवस्थित वाहन खड़ा करने से आपराधिक घटनाएं भी घटित हो रही थी और अव्यवस्था भी यातायात में पैदा हो रही। इसको लेके आज सूबेदार साहब ने इनिशिएटिव लेके नगर पालिका की अनुमति से रोड पे सामने की तरफ जो अतिक्रमण था उसको क्लियर करा के वहाँ वाहन पार्किंग शुरू की है। इससे जो अस्पताल में मरीजों के साथ लोग आते हैं उनको भी सहूलियत होगी जी और एक सुरक्षा भी उन्हें मिलेगी। उनके साथ कोई घटना किसी तरह की चोरी इत्यादि की घटित नहीं होगी। वो बहुत एक अच्छा नया हम लोगों ने शुरुआत की है और हमारी जन से अपील है हमारी कि सुरक्षा के लिए इस नई व्यवस्था में सहयोग करें जिससे समाज सुरक्षित रहे।